चढ़ दो मुझे। अबे भाड़े के एक्टर हो, पहले पकड़ तो लो। मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। और मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मैं रो पड़ता हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे अकेले कुछ नहीं होगा, तो ये चार मुस्टंडों को भेज दिया, कहते हैं इनके साथ कॉमेडी करो। उसकी शक्ल देखी, इसको देख के आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने इसकी बॉडी में हंसने का सॉफ्टवेयर डाला होगा? क्या दिखता है, क्या दिखता है? हेलो अंकल। अंकल मेरे को ना थोड़ा डर लग रहा है, आप लोग जाएंगे क्या? थोड़ा जाइए ना, जाइए। अरे भगवान, मेरे सुदेश से मुझे अलग कर दिया इन लोगों ने। कोई मेरे सुदेश को लेकर आओ, मेरा सुदिया। चार दे मुझे, मैं कैसे अपने नकाबे को बुला लूँगा? चार दे मुझे, तालियाँ हर दीवार तोड़ के दिखा देंगे। चार दे मुझे, चार दे। सुदिया, सुदिया, सुदिया चार तू आ गया है। मैं आया नहीं, मुझे लेके आए हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही ला रहा था। भागो यहाँ से, I say get out. Come on. No smoking, no parking. यार मैंने पेपर में पढ़ा था, मैंने सुना है कि तू मेरे बिना यहाँ शो हो नहीं रहा तेरे से कुछ। साला मेरी बारी आई तो मीडिया सच छापने लगी। लेकिन तू फिकर मत कर, अपन ये शो ना मिलकर करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी जैसे तू कर रहा है ना, किसी को कोई नहीं पता चलना। मैं तुझे अच्छे पैसे दिलवाऊंगा। तू पैसे दिलाएगा? मुझे पता चला तू खुद यहाँ पैसे दे के कर रहा है। अगर तुझे ये शो करना है तो कर, वरना मुझसे अकेले नहीं हो रहा है। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, कर लेना प्लीज। यही पैर तू कल पढ़ लेता ना तो क्या, कल भी कुछ नहीं लिखा था पैरों में, क्या पढ़ लेता? देख भाई कॉमेडी मत कर, ये सीरियस शो है, मेरी बात मान जा, लोग देख रहे हैं हम दोनों को। बस यही सुनना चाहता था मैं। सुदेश है तो कृष्णा है, अगर सिर्फ कृष्णा है तो सुदेश फिर भी है। और सुन, अब मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है। जोरदार तालियां। इतनी बड़ी फिल्म मिली है मुझे, इतनी बड़ी खत्म ही नहीं होती। जोधा अकबर इतनी लंबी बना दी यार, डीवीडी खत्म ही नहीं हो रही। अब मैं जा रहा हूँ। अरे चल, सुदेश हो या ना हो, मुझे तो ये शो करना ही है। लेकिन बहुत प्रॉब्लम है सर। अरे दुनिया में जो आदमी जो काम करना चाहता है वो नहीं करवाते, और जो नहीं करना चाहता वो करवाते, क्यों सुरेंद्र? अब काइट फिल्म को ही ले लो, मेरे हिसाब से काइट ऋतिक को करनी नहीं चाहिए थी। और जब ऐसी फिल्मों के लिए हरमन बेवजह है तो ऋतिक को करने की क्या जरूरत है? अब बात करते हैं सानिया मिर्जा की। देखिए स्क्रिप्ट में थोड़ा ग्लैमर तो जरूरी है ना। लोगों का कहना है कि सानिया को शोहेब से शादी करनी नहीं चाहिए थी, और ये उन लोगों का कहना है जो सानिया से खुद शादी करना चाहते हैं। और ये बात जब हमने सानिया से पूछी तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। सानिया जी यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर। कैमरा आ गया, बताते क्यों नहीं आप लोग भी। जी क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा था कि इतना हैंडसम आदमी है इंडिया में, आपने सोहेब से शादी क्यों की? क्या करती मैं एक्चुअली, स्कूल कॉलेज में जहाँ भी हम इकट्ठे बैठते थे, टीचर पेरेंट्स यही सिखाते कि जो सारे इंडियंस होते हैं हमारे भाई बहन होते हैं। लेकिन मुझे एक दो इंडियंस यानी कि लड़के पसंद आए थे, लेकिन पापा ने कहा था कि सारे इंडियन भाई हैं तो मैं उनको भाई मतलब बनाती रही, इसीलिए मैंने पाकिस्तान जाके शोएब से शादी की। इंशाल्लाह शोएब ऐसे ही तंदुरुस्त रहे और मेरी छोटी छोटी स्कर्टें धोता रहे। कमबख्त एक बार दो तीन स्कर्टों पर रंग चढ़ा चुका है, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी तो शादी कर ली तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी काफी लड़कों पे लाइने मारती हूँ। थैंक्स। अब बात करते हैं ओसामा अंकल की, क्योंकि क्या है स्क्रिप्ट में थोड़ा टेरर भी जरूरी है ना।
बॉलीवुड को ओसामा अंकल पे फिल्म बनाने नहीं नहीं चाहिए थी. हाँ नहीं, मेरा इसमें कोई टेक नहीं है, लेकिन ओसामा अंकल बहुत भड़के हुए हैं. आइए देखते हैं. टेप चालू करो. क्या देखते हैं, पहले टीवी चालू करो. देखते हैं इधर साले. इसरे मैसूर सीसरे मौसरे लंदन हीथ एयरपोर्ट सीतरो मालेगु खरे पो श्री धीरे बा चोरे बा हिंद्रो पाले सोले बे. तुम क्या सोचते हैं? पहले ऐसे हम बोलते थे, कोई समझता नहीं था, इसलिए हम अब हिंदी सीख लिया. ऐसा कहीं नहीं मिला, अपन मराठी पर नहीं बोले, ऐसे कहीं प्रॉब्लम नहीं मिला. ऐसा कहीं हमने ऐसे सुना है इधर, हमारे ऊपर कोई पिक्चर बनाए. पिक्चर तो हम देखा नहीं, लेकिन जो पिक्चर बनाए उसको हम देख लेगा, जरूर देख लेगा उसको. तुम क्या सोचते हैं, फोगा बहुत टैलेंटेड है, फूटेगा नहीं. एंड थैंक यू वेरी मच. एंड जय महाराष्ट्र, जय इंडिया. आई लव सोनी टीवी. थैंक यू. पचास पचास को दूर. जब कहीं बच्चा हंसता है तो माँ कहती है सो जा, वरना उतरन का वन छा जाएगा. अरे ओ सुरेंद्र, ये होली कब, सॉरी उतरन कहाँ है, कहाँ है उतरन? दोस्तों, जब तक आप लोग हंसते रहोगे तब तक ये कॉमेडी का सोप चलता रहेगा. वंश की कॉमेडी देखने के लिए तैयार हो? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तरांचल से वंश का. खीर लाया उसमें. इसकी माँ का साकिना. अरे कितना अच्छा एक्टर है, अभी भी अपने कैरेक्टर में पड़ा हुआ है. वाले ये टीवी वाले भी ना अपना कैरेक्टर बहुत जल्दी छोड़ते. क्या उठो उठो भैया उठो. अरे जोरदार तालियां वंश के लिए. वंश, हमें ये बताइए कि इन लोगों ने आपको मार क्यों दिया? देख भाई, किसी भी शो की अगर टीआरपी बढ़ानी हो ना तो उसका मेन एक्टर को वो हम लोग मार देते हैं. अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि अगर तुझे भी अपने शो की टीआरपी बढ़ानी है ना, हाँ, मार डाल किसी को. सच्ची सच्ची. मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे अब दुआ की नहीं टीआरपी की जरूरत है, टीआरपी की जरूरत है. उठ, क्या हो गया? अरे यार क्या हो गया? टीआरपी के लिए स्टार का मरना जरूरी है. स्टार को मार यार. स्टार को? हाँ. अबे साले उस तरफ मारिए, अब बढ़ेगी मेरे शो की टीआरपी. अरे मैंने अपनी इच्छा पूरी कर दी. अच्छा अच्छा, हाँ आप अपने बारे में बताइए, आप अपनी इच्छा को बहुत मिस करते होंगे ना? यार मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ तपस्या को. लेकिन तपस्या तो आपकी भाभी है. वही तो प्रॉब्लम है यार. लेकिन एक बात बताऊं, मेरी शो की सबसे मस्त आइटम है. हाँ वैसे आइटम तो है, लेकिन अब किसी और की है यार, इसलिए मैं मरकर आउट हो गया यार. अरे लेकिन फिकर मत करो, हमने आपके लिए बुलवाया है तपस्या को. सच्ची मुच्ची? जाइए सच्ची मुच्ची. पक्का? अरे बिल्कुल पक्का. अरे जाइए. हमने जो तपस्या बुलवाई है वंश के लिए, वो भी कुछ ज्यादा बड़ी है, मेरा मतलब है ज्यादा विशाल है. इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वंश और तपस्या का. अरे ताकी ओ ताकी. वंश तुम इतनी मोटी कैसे होगी? तुम तपस्या कम समस्या ज्यादा लग रही हो तुम. कसूर है? सारा कसूर तेरी माँ का. ए! तुम्हारी मम्मी जी का है. हाँ बेटर. तुम्हारे मरने के बाद भी रोज तुम्हारा खाना बनाती थी
और इच्छा को भी घर से निकाल दिया, उसका खाना भी बनाती थी। तुम्हें तो पता ही है तो खाने को कितना प्यार करती थी, सारा मुझे ही खाना पड़ता था, इसलिए ऐसी हो गई हूँ। मैं देखकर कसम से मन कर रहा है कि वापस से मर जाऊं यार मैं। तुम मेरी तपस्या नहीं हो सकती। लगता है इसको सबूत देना ही पड़ेगा। वंशु देखो मेरी स्माइल, मेरा गुस्सा, मेरी हंसी, सब सेम एक्सप्रेशंस, यही तपस्या है। लेकिन तुम्हें एक और टेस्ट देना पड़ेगा। हा? वो क्या है कि मेरे भाई की पीठ पर एक छोटा सा तिल है, तुम्हें ये बताना है कि वो कहाँ है। नॉटी, कितना मुश्किल सवाल कर लिया। सोचो सोचो। सोचने दो। वो नहीं नहीं, वो तिल थोड़ी है। सोचो सोचो। जैसे कि तुमने बताया, पीठ पर। सही जवाब, तपस्या। ग्लैमर कहीं की, तुम तो एक्टिंग के आसपास भी नहीं हो बिल्कुल। मैं एक्टिंग के आसपास नहीं हूँ, अगर तू ढंग का एक्टर होता ना तो उतरने वाले तेरी फोटो पे हार नहीं चढ़ाते। अरे मुझे तो इसलिए मार दिया क्योंकि मैंने पेमेंट ज्यादा मांग ली थी। जब अच्छे भले 1000 रुपया मिल रहा था तो 1500 क्यों मांगा? तुम 1200 ले सकती तो मैं 1500 नहीं मांग सकता? अरे मांगने को क्या है, तुम 1.5 लाख भी मांग सकते हो, पर मिले तब ना। आपकी मजाक करने की जरूरत नहीं है, मैं वंश हूँ। वंश? शक्ल से तो कंस लग रहे हो। जाओ यहाँ से अब और तपस्या को भेजो यहाँ। क्या कहा, मैं जाऊँ? बिल्कुल। ए, तू निकल यहाँ से। ये कॉमेडी का डेली सोप है, कॉमेडी तो तुमसे निकल नहीं रही और डेली सोप से तुम निकाल दिए गए हो। कौन कहता है कि मुझे कॉमेडी नहीं आती? कॉमेडी करके बताओ तब जानू। मेरी इच्छा नहीं है अभी। पहले क्यों नहीं बताया इच्छा तुम्हारी नहीं है? शो वालों को भी बता देते कि इच्छा तुम्हारी नहीं है। अरे खा, तुम्हें मरना पड़ा। अरे इच्छा मतलब मेरा मूड नहीं है यार। यहाँ कॉमेडी करनी है, कोई मुजरा नहीं दिखाना आपको जो आपका मूड नहीं है। ठीक है तो सुनो, एक हाथी था और एक चींटी थी। हाथी जो था ना वो बहुत मोटा था। सच? बिल्कुल तुम्हारी इतना। और जो चींटी थी वो छोटी थी। माइंड ब्लोइंग, आई वांट टू टेक यू होम दाढ़ी वाले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, देखो कोई हंसा? यार तेरे जोक तो पूरा हो जाने दे। उतरन वालों ने तुम्हारा ट्रैक नहीं पूरा होने दिया और मैं जोक पूरा होने दूं? शक्ल देखो अपनी, अरे सनसनी वाला भी तुम्हारे सामने ऋतिक रोशन है। वही करने आया हूँ मैं, कॉमेडी फैलाने आया हूँ सनसनी। लेकिन आजकल फिल्मों की ऑफर्स बहुत आ रही है मुझे। हो सकता है यार। अरे मैंने सुना है कि अगले साल शक्ति कपूर जी रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह भरने के लिए कोई तो चाहिए ना। बेस्ती, बेस्ती, बेस्ती। तुम मेरी तुलना शक्ति कपूर के साथ कर रही हो? सॉरी, शक्ति कपूर को बुरा लगा होगा ना। मैं कुछ पता नहीं है, वैसे मैं कृष्णा से ज्यादा टैलेंटेड हूँ। कृष्णा? यस। अरे मैं तो इसको टैलेंटेड नहीं समझती, तुम क्या चीज हो? वो कर लेते हो? नहीं नहीं, आज मैं सुबह घर से करके आता। अरे वो नहीं, सुरिंदर कर लेते हो? एक ही तो बात है, तबड़तबड़ी तो करता है और क्या करता है। अच्छा तो करके बताओ। ये ले देख। ओ भाई, तबड़ 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 तबड़। ए बस, तुम सुरिंदर कम जोगिंदर ज्यादा लग रहे हो। अपने आप को बहुत बड़ी कॉमेडियन समझती है तू, अगर ऐसी बात है तो कुछ करके दिखा। अच्छा हाँ। अरे तुम्हें क्या पता कितना टैलेंट मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। दिखा दिया ना तो बेहोश हो जाओगे। हाँ तो दिखाओ दिखाओ। लगता है तुम्हें अपना टैलेंट दिखाना ही पड़ेगा। सुरेंद्र पाजी, साथ तो दो जरा मेरा। देखा मेरा टैलेंट, मरे हुए को एक बार फिर से मार दिया। मर गया साला उतरण का वंश।
मेरा सेट। उठो भाई साहब, उठो उठो उठो। ठीक है, बाजू में हट। हाँ, खड्डा नहीं है। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। तुम्हें लगता खड्डे बहुत पसंद है? पाजी, इसको भी खड्डा दिखाई दे जरा। संभाल भाई संभालो। उठ 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 उठ। मर गया? मर गया। कृष्णा, तुम्हें कैसा लगा मेरा ये वाला टैलेंट? आपका ये वाला टैलेंट बताता है कि आपने परसों गोभी के पराठे खाए थे। खैर, आप जाइए, हमने आपके लिए ट्रक में समोसे मंगाए थे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। भगवान आपको लंबी उम्र दे वंश, आपके अगले शो में। जोरदार तालियां वंश के लिए।